तो बनाए मटर और पोहे से आसान और चटपटी सी रेसिपी, जिसे बहुत ही ज़्यादा सब लोग पसंद करेंगे। बहुत ही आसान तरीका है बनाना, तो पूरे वीडियो में बने रहे हेलो दोस्तों। दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज बनाते हैं चटपटा नाश्ता, वो भी एक कटोरी मटर और एक कटोरी पोहे से। ये बहुत ही कम टाइम में बनके तैयार हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक कटोरी ले लेना है मटर और यहाँ पे एक कटोरी हमने ले लिया है पोहा। अब पोहे में हम पानी डाल देंगे और मटर को हम बॉईल होने के लिए रख देंगे। मटर को अच्छे से बॉईल कर लेना है और पोहे का पानी हमें छान लेना है। तो पोहे को हमें अच्छे से धो लेना है और इसका पानी छान के निकाल लेना है। तो पोहे का पानी हमने छान लिया है। अब थोड़ा इसे सॉफ्ट हो जाने देंगे जब तक हमारा मटर बॉईल हो रहा है। तो यहाँ पे मटर हो गया अच्छे से बॉईल, इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब मटर को हम अच्छे से मैश कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अच्छे से बॉईल हो गया है, तो अच्छे से मैश हो जा रहा है हमारा मटर। तो देखिए अच्छे से मैश हो गए हैं मटर यहाँ पे। मैक्स हो गए हैं इनके मैक्स। अब यहाँ पे जो पोहा है इसका हम पानी इस तरह से हाथ से दबा दबा के निकाल लेंगे। वैसे तो इसमें पानी नहीं है, हमने पहले ही पानी को निकाल लिया था और इसमें हमें मिक्स कर लेना है। तो अब इसमें हम ले लेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर। अब यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, जीरा पाउडर, थोड़ा गरम मसाला इसमें ऐड करेंगे। चटपटे फ्लेवर के लिए यहाँ पे हम चाट मसाला डाल देंगे आधा छोटा चम्मच, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स। अब यहाँ पे हम सेंधा नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, तो जो आपके पास है वो डाल सकते हैं। अब चुटकी भर इसमें अजवाइन डाल देंगे। तो अब इसमें बारीक कटा हरा धनिया डाल देंगे। तो चलिए अभी ने हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़े मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं, अब इसमें हम डाल देंगे। अब इसमें हम 2 चम्मच मकई का आटा या फिर बेसन भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 चम्मच ले लिया है। तो चलिए इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और ये आटे की डो की तरह बन जाएगा। तो अगर पानी की ज़रूरत हो तो आप इसमें थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए अच्छे से बन गया है। अब इसमें आप थोड़ा सा इसे थोड़ा चिकना करने के लिए हम तेल ले लेंगे। तो अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा लेके इसकी हम टिक्कियाँ बना लेंगे। तो इस तरह से हमें आटे के जितना हम लोई लेते हैं उतना हमें ले लेना है और इस तरह से रोल करके इस तरह से हमें टिक्कियाँ बना लेनी है। फ्रेंड्स बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसी तरह हमें सभी बना लेने। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने सभी को बना लिया है। तो चलिए अब इसको हम फटाफट फ्राई कर लेते हैं। हमारा यहाँ पे तेल गरम हो गया है, अब एक एक करके हम इसमें डाल देंगे। तो इसको हम थोड़ा सिकने देंगे नीचे, तभी हम पलटेंगे, तुरंत हमें नहीं पलटना है। तो एक तरफ अच्छे से सिक चुका है, अब इसको हम पलट लेंगे। तो यहाँ पे फ्राई हो गए हैं, अब हम निकाल लेंगे इनको। तो इन्हें क्रिस्पी होने तक हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे एक एक करके हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने निकाल लिया है। तो यहाँ हमारा चटपटा नाश्ता बनके तैयार हो गया है। यहाँ पे हम ले लेंगे हरी चटनी। तो फ्रेंड्स मटर और पोहे की ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और एक बार इस आसान रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में, ये घर वालों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं आसान रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।